गुजराती क्लास में <coughs> होवन हार देवता के दर्शन के लिए भाई आए थे हाँ अभी आज होवन हार हाँ, कृष्णा के लिए उसकी गोपी आई है ऐसे कहना <laughs> <laughs> गोपी में आज हम गोपी है आप कृष्णा है हाँ? हाँ, स्विच 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 व्हाट यू कॉल क्या बोलते हैं उसको स्विच टेबल स्विच वैसे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों के बाद आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को ऐसा नहीं लग रहा लॉन्ग 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 टाइम वैसे आपके कईयों की ये रिक्वेस्ट थी कि सोलह कला के ऊपर सोलह कला के ऊपर तो सोलह कला के ऊपर जो हम आज डिस्कस करेंगे या कुछ एक बातें देखेंगे तो आज तो सिर्फ उसके ट्रेलर देखेंगे है ना क्योंकि आज हमारे पास सोलह कला को डिटेल में जानने के लिए इतनी सुंदर सुंदर गोपियों को देख के मैं बैठ के भाषण तो नहीं दे सकती यू you नो know, वो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने सुंदर तैयार होके आए हैं है ना इतने उमंग से आज हम न सिर्फ कृष्णा की सोलह कला जानेंगे लेकिन साथ साथ कृष्णा के साथ रास भी करेंगे है ना और इसीलिए टॉपिक बहुत परफेक्ट है कि कृष्णा के साथ राज करने के लिए उसकी योग्यता चाहिए है ना और योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें बाबा ने स्कूल में एडमिशन दिलाया फिर स्कूल के बच्चे अभी एक साल के स्कूल के बच्चे तो नहीं रहे ना मोस्टली सभी जो है वो एक साल छे महीना ज्यादा हो गया तो अभी यूनिवर्सिटी वाले हो गए है ना सेवन डेज का कोर्स किया तब तक स्कूल के बच्चे थे मुरली सुनना शुरू कर दिया माना यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए है ना तो ग्रेड अप हो गई अभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डिग्री मिलती है डिग्री मिलती है ना? लेने क्यों जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते क्यों डिग्री लेने जाते हैं अभी डिग्री लेने जाते हैं तो यहाँ पर जो रोज सुबह सुबह चार बजे ओ बाबा ओ बाबा करते हैं फिर साढ़े पांच बजे बैठ जाते हैं फिर छह बजे ओ बाबा बोलते हैं मिठे बच्चे हम बोलते हैं मेरे मिठ्ठे बाबा हाँ फिर बाबा कहते हैं तुम दो तुम आ, तुम, आ, तुम आ, क्या कहते हैं तुम नालायक हो जी बाबा हम्म तुम इतने जन्म जन्म के पतित हो जी बाबा राइट right? हाँ अभी वो सब के लिए तो जी जी कर दिया बाबा को हाँ अभी वो बाबा कहता है कि अभी तुम्हें स्कूल में पढ़कर पांच डिग्री लेनी है तो बाबा ने वो कौन सी पांच डिग्रिया बताई है आप चैट में लिखेंगे चैट में लिखिए कि बाबा ने हमें इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन दिया है उसकी पांच डिग्री है ना अभी इतने समय से इतने महारथियों के क्लास सुन सुन के आप भी महारथी तो वही हो गए होंगे नहीं एकदम एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे तो चैट में लिखना शुरू कीजिए कि बाबा ने कौन सी पांच डिग्रिया हमें दी है हासिल करने के लिए वॉट इज अवर एम एन ऑब्जेक्ट डिग्री लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्य है डिग्री कौन सी लेनी है डिग्री डिग्री जल्दी जल्दी डिग्री लिखो क्यों पढ़ने बैठे हो ये पढ़ के क्या बनेंगे अच्छा और डिग्री कौन सी दी है अगर पढ़ाई पढ़ने बैठे हैं डिग्री नहीं पता है तो शेम ऑन मी ना आई डोंट नो माई डिग्री वाई एम आई स्टडी Instead of chat, uh, chat, can I say it? Because it's hard for me to do the chat. हाँ हाँ बोलो. टीचर बनना है. जो बाबा ने सिखाया टीचिंग तीच, की डिग्री ले लूँ फिर सबको सिखा दूँ. देवी देवता बनना है दीदी डिग्री कौन सी लेनी है? ये समझ नहीं आते आप क्या डिग्री क्या है टीचर टीचर आप तीचा। रोज आज एक साल से मुरली सुन रहे हैं, रोज डिग्री सुनते हैं लोग फिर भी डिग्री नहीं पता है समझ में नहीं आता है हिंदी हिंदी में बोलो ना डिग्री का तो आ, आ, वो पद हाँ तो वो देवी देवता का ना लक्ष्मी नारायण टीचर बनना है नहीं इट्स नॉट रूहानी बच्चे बनना है सर्टिफिकेट कौन से सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट रूहानी बच्चे बनना वो तो पवित्र था ना दीदी हम्म हम्म अगर डिग्री नहीं पता है ना तो सोलह कला के आगे जाने का कोई क्वेश्चन नहीं पता होता स्वरूप हमारे कुछ ये स्वरूप ओके okay, यहाँ पे सिर्फ आ, 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 आप नहीं है चालीस साल के भी बैठे हैं पंद्रह साल के भी बैठे हैं पच्चीस साल वाले भी बैठे हैं दस साल वाले भी बैठे हैं लिखो लिखो डिग्री भी लक्ष्मी नारायण बनने क्या डिग्री लिखो जो पंद्रह साल पच्चीस साल चालीस साल वाले बैठे हैं डिग्री लिखो बाबा की डिग्री कौन सी है <coughs> दे दू जवाब हाउ मच हाउ मच सेकंड यू वॉन्टिंग बाबा ने हमें क्या बनने के लिए कहा है सादी भाषा में ब्राह्मी ब्राह्मण ब्राह्मी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्ति सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा ना। स... ना। स... बाप समान बनना है कविता बेन सूच पांच डिग्री बोलो मास्टर सर्वशक्तिमान मन देवा मैं सिर्फ एक शब्द चालू करूंगी ना आपको पांचों डिग्री आ जाएगी सिर्फ एक शब्द बोलना मुझे असना बोलना देवी बोलना कैन यू से फर्स द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट ब्राह्मण सो देवता बनना एक शब्द बोल दो आत्मा बनना फर्स्ट लेटर मराठी बनना है फर्स्ट लेटर 5 डिग्री 5 डिग्री सर्वगुण संपन्न

देरी अगर अगर ओके ओके फाइन नीलिए बोला ना एक शब्द गिव अवे करेगी सारे पांच डिग्री पता चल जाएगी फटाफट फटाफट फटा फटा आ गया राइट सो इट वॉज अ फन टेस्ट करेक्ट तो बाबा ने जो ये पांच डिग्री बताई है तो पांच डिग्री के ऊपर कई क्लासेस कई लोगों ने कराए हैं लेकिन हमें क्यूरियस होता है कि ये सारी जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि अगर तुम्हें कृष्ण की पुरी में जाना है तो अभी कृष्ण का है ना अभी तो जब आप ज्वाइन किया आपने तभी इसके पहले क्या आ, क्या चल रहा था वीडियो में क्या चल रहा था कृष्ण लीला चल रही थी राइट तो कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं मुरली दिखाते हैं और राम के हाथ में क्या दिखाते हैं तीर कमान दिखाते हैं दिखाते हैं बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है लक्ष्मी न्राराएं। लक्ष्मी न्राराएं। दार बनना है मुरलीधर लक्ष्य क्या दिया है मुरलीधर बनना है और मुरलीधर बनने की जो बाबा ने ये पांच लक्ष्य जो हमें दिया है कि अगर आपको मुरलीधर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या उन्ना है सबसे पहले क्या आता है विशेषताओं में सबसे पहले जो टाइटल आता है वो क्या होता है संपन्न फिर सोलह कला संपूर्ण। फिर संपूर्ण निर्विकार लेकिन हर एक ये जो टाइटल है जो बाबा ने दिया है निर्विकार वो सारे इंटरकनेक्टेड है और जब सोलह कला की बात आती है तो हमें यही क्यूरियोसिटी होती है ये सोला कला एग्जैक्टली exactly क्या है तो बाबा ने अभी तक की हिस्ट्री में किसी भी मुरली में सोलह कलाएं बताई ही नहीं है कि कौन सी कौन सी नंबर ऑफ सोलह कलाएं ये बाबा ने कभी किसी मुरली में yes, you. okay, so वो किसी मुरली में नहीं बताया है लेकिन जब वरिष्ठ जब भी हमारी दादियां भाई जो वरिष्ठ सीनियर भाई जो मुरली का मनन चिंतन करते थे है ना जैसे जगदीश भाई हैं, गुलजार दादी है प्रकाशमणी दादी हैं वो जब इस बात पे चिंतन करते थे तो जगदीश भाई जो है उन्होंने विशेष सोला कलाएं जो है उन्होंने बाबा के चरित्र चित्र और बाबा की धारणाओं के ऊपर बाबा फिर दादियों ने और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और जगदीश भाई की एक बुक है जिसके अंदर सोलह कलाएं बताई गई है तो आज हम विशेष उस सोलह कलाओं के ऊपर हम देखेंगे बुक बुक दीदी का का नाम वो बेन, वो बुक का नाम वो वो मुझे नहीं पता है बट उनकी जगदीश भाई की सोलह कला के ऊपर बुक है लेकिन वो इंग्लिश में है बट आई लेट यू नो विच बुक ओके तो मेरे पास तो ज्ञान पुष्प करके एक बुक है जिसके अंदर सोलह कलाएं लिखी हुई है लेकिन वो जगदीश भाई की है तो वो हिंदी में है मैं आपको दिखाऊंगी आई डोंट नो आई हैव राइट नाउ हियर ओके या ये बुक है सॉरी oh, ये बुक है इसके अंदर सारी सोलह कलाएं जो जगदीश भाई ने बताई है वो लिखी गई है और ये बुक जो है वो ऑनलाइन में ऑडियो बुक अवेलेबल है ज्ञान सरिता ठीक है सो और ये बुक जो है मैं अब जब पुरुषार्थ करना शुरू किया था when I was like very new, एक दो साल की ही थी और मैंने ये पूरी हार्ट की थी क्योंकि उसके अंदर सारी दीदी दादी मणि के और जो क्वेश्चन आंसर्स है इट्स वेरी फैंटास्टिक इन्होंने मेरी धारणाओं को मेरी ज्ञान की समझ को बहुत गहरा किया है कि वो कैसे चिंतन करते हैं दादियाँ कैसे चिंतन करती है कैसे इसका निष्कर्ष निकालती हैं तो बाबा ने एक बार मुली में बताया था कि सोलह कला का अर्थ क्या है तो सोलह कला का जो बाबा ने अर्थ बताया था कि अमावस्या से लेकर धीरे 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 पूनम तक सोलह दिन में जो है पूनम पूनम के दिन चंद्र अपनी पूर्ण कला में होता है तो पूर्णता सोलह दिन में जो पूर्णता की प्राप्ति होती है उसकी एनालॉजी को उसके एग्जाम्पल को लेकर सोलह कलाएं बताई गई हैं और जब हम राम के लिए चौदह कला कहते हैं तो वो सोलह कला के जब प्राप्ति करते करते वहां पर आत्मा अटक जाती है और वो अटकती कब है जब हम ज्ञान में चलते हैं ज्ञान सुनते हैं ज्ञान को धारण करते हैं और धारण करते करते जब शरीर छूट जाता है या हमारा अंतिम समय है या इस कल्प का अंतिम समय है अगर हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति और कृति सिर्फ लड़ने में जाती है माना फिर भी, भी जब तक हम और लड़ना माना क्या When that's checking is myself. मेरे साथ अपनी है। क्या मैं जो बाबा ने हमें तीन सर्टिफिकेट बताए, क्या मैं मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट हूँ, क्या मेरा लौकिक परिवार मुझसे संतुष्ट है या बाबा मुझसे संतुष्ट है ना तो परमात्मा को संतुष्ट करना इट्स नॉट बिग डेल लेकिन अपने आप को अपने पुरुषार्थ के साथ मैं संतुष्ट हूं अगर मैंने शरीर छोड़ा या कल्प का अंत हो गया और वो संतुष्टता हंड्रेड परसेंट मेरे में नहीं है तो उतनी कला मेरे में कम है तो बाबा ने मूल्यों में ये समझाया है और कलाएं जो है वो वन स्पेसिफिक नहीं है कला माना क्या कला माना आर्ट है ना लिटरल मीनिंग इज आर्ट आठ माना क्या विशेषता कला माना फर्स्ट है का। का माना मेरे कर्म मेरे हर कर्म दर्शनीय बन जाते हैं प्रशंसनीय बन जाते हैं माना मुझे उस कर्म की कला मेरे में संपूर्णता से है माना मैं संपूर्णता से उस कार्य के अंदर प्रवीण हो और इसीलिए मेरा कार्य जो है वो दर्शनीय है उल्लेखनीय है प्रशंसनीय है और उसे कहा जाता है कला नहीं? अभी सुलाबेन क्लास में है तो सुलाबेन है ना सुल किशोर भाई का अभी क्लास हुआ था ना थोड़े दिन पहले गुजराती में क्लास हुआ था नहीं? तो उन्होंने अभी जब आए थे अनुभूति में आए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने सीरियल का एक स्नैक बनाया था तो मैं जस्ट आई थी इंडिया से तो मुझे हेमा बन ने भेजा मैंने जैसे ही डब्बा खोला तो मुझे उसे सिर्फ उसका दर्शन करते ही मैंने रसुल्ला बहन को फोन किया कि बहन आपका ये सीरियल का चिवड़ा जो है ना वो दर्शनीय है तो उसका उसके अंदर की जो भाव है भावना है प्रेम है उसका जो छोटी छोटी बारीकी का जो टच दिया था तो उसके अंदर पता चलता है ये काम चलाऊ नहीं है और इसे कहा जाता है किया क्या था सीरियल का चेवड़ा बनाया था लेकिन वो दर्शनीय बन जाता है वो कला है माना हमारे कर्म किसी के हमारे कर्म आत्मा हमारे सामने न भी हो लेकिन हमारे कला का प्रदर्शन हमारी स्थिति का प्रदर्शन हमारा अंदर की आत्मा का जो अः की जो विशेषता है वो हर छोटी बात में दिखाई देती है और इसीलिए मिसाल कृष्ण का बताया है क्यों कृष्ण का बताया है क्योंकि शास्त्रों में जितने दर्शन जितनी पूजा जितने भोग जितने श्रृंगार कृष्ण के होते हैं इससे कितनी कोई भी देवी देवता के नहीं होता है, होते हैं कि नहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग है है कि नहीं छप्पन भोग किसको लगते हैं? 108 के भोग क्यों लगता है अंकुट के भोग किसको लगते हैं कृष्ण को लगते हैं क्यों उसको सबसे ज्यादा भूख लगती है क्या देवी देवताओं में ऐसा है कि सबसे ज्यादा वो कृष्ण को ही लगती है इसलिए उनको अनकोट चाहिए ऐसा तो नहीं है ना ऐसा तो नहीं है तो ये जो कला की बात होती है माना मेरे कर्म तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें सुबह से लेके रात तक हर बात को हर कर्म को विशेषता पूर्वक करने की विधि बताता हूँ तो वो जो मैंने विधि बताई है अगर आप उसे एक्यूरेट फॉलो करते हो है ना रेसिपी होती है रेसिपी को अगर एक्यूरेट फॉलो करते हैं अपनी इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं श्रीमत का पालन करो मनमत को मिक्स नहीं करो है ना इसीलिए जब भी हमारे यहाँ पे कुकिंग क्लास होता है बहन हम इसके जगह पे Uh, इसका आटा डाल सकते हैं आलमंड का आटा डाल सकते हैं बेसन का आटा डाल सकते हैं, कोई भी आटा आप डालो लेकिन वो कौन सी मत है मन मत है रेसिपी फॉलो नहीं करते हैं तो बाबा रोज सुबह आते हैं हमें रेसिपी देते हैं क्या मैं रेसिपी फॉलो करती हूँ अगर मैं रेसिपी फॉलो करती हूँ एक्यूरेटली करती हूं तो मेरे में हर कर्म की कला आना शुरू हो जाता है और मैं भरती जाती हूं और वो कला भरते भरते मेरे वो कला नहीं आएगी अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास गुण नहीं है क्योंकि अगर मुझे सपोज कि भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए प्यार चाहिए रस चाहिए भावना चाहिए है ना तो ये सब भी चाहिए सिर्फ मसाले के डिब्बे के साथ Don't you think so? भी कोई भी अच्छी जो है वो चीज दर्शनीय बनती है और प्रशंसनीय बनती है तो बाबा ने कभी कोई सोला कलाएं बताई ही नहीं है और हर शास्त्र में उपनिषद में गीता में जो भी जिसने उल्लेख किया है वो एक्यूरेटली यही कला है वैसा किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है सो स्टिक योर हैड टू सोला नंबर एंड कला दैट इज वाबा से सोला नंबर के साथ अपनी बुद्धि को स्टिक नहीं कर दो अपनी बुद्धि को लिमिट नहीं कर दो क्योंकि कलाएं सिर्फ 16 नहीं है कलाएं बहुत 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 सारी हैं तो उसमें से जो भी सोलह जो विशेष जगदीश भाई जी ने बताई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और ये सारी कलाएं बाबा ने जो हमें मेडिटेशन सिखाया है उसके साथ वो इंटर रिलेटेड है और दूसरी बात कला क्यों चाहिए बाबा कहते हैं तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जैसे हमने कई बार क्लास में बताया है स्वर्ग माना स्वर्ग इज नॉट अ फ्यूचर टेंस स्वर्ग इज प्रेजेंट टेंस और कोई भी कला चाहिए तो दादी गुलजार कहते थे कि कोई भी कला चाहिए तो उसके अंदर दो बातें चाहिए सबसे पहले बैलेंस चाहिए अगर कोई भी कला है लेकिन वो अगर बैलेंस में नहीं है समय पर हर समय को देखकर व्यक्ति को देखकर वातावरण को देखकर कर्म करना वो है कला दादी गुलजार बहुत बार ये बताते थे कि बैलेंस चाहिए कोई भी बात में बैलेंस चाहिए और हर समय पे व्यक्ति पे वातावरण में अपने आप को मोल्ड करना दूसरी बात मोल्ड करना अगर मोल्ड करेंगे तो गोल्ड बनेंगे और गोल्ड बनेंगे तो गोल्डन एज में जाएंगे तो बहुत सुंदरता से दादी गुलजार समझाती थी कि कोई भी चीज हो कोई भी कार्य करो उसके अंदर ये तीन दोनों चीज होनी चाहिए तो ही हमारे में कला जागृत होती है क्योंकि कला को हमें डेवलप करना पड़ता है कला को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसके लिए ये दो चीज चाहिए एक तो मोल्ड होने की चाहिए हमें कैपेसिटी चाहिए और दूसरा दूसरा क्या बताया बैलेंस बैलेंस एग्जाम्पल है है ना अभी इसके बाद हम गरबा करेंगे तो कई लोग क्या होते हैं नहीं बाबा ये सब हमारा नहीं है हम हम तो यहां पे ज्ञान सुनने आए हैं नो फेशियल एक्सप्रेशन नो एंजॉयमेंट नो खुशी क्यों क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम्हें गंभीर बनना है तो जब हमें एंजॉय करना है तब हम गंभीर बनते हैं तो ये कला है नहीं और जब सब आराम से शांति में योग करते हैं और हम मैं लिटरली बताती हूं ऐसे ऐसे सारा इस तरह से ऐसे 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 उंगली होती है ये कला है ये कला है नहीं ये डिसेंसी है नहीं ये एक्यूरेसी है नहीं हमारे कैमरास हमारे कैमरास एग्जैक्टली exactly हमारे जैसे हम बैठे हैं कभी आपने हेमा बहन को या किसी भी बहन ने क्लास कराते हुए आते हैं तो उनके भी पास कैमरा है आपके भी पास कैमरा है हमारे कैमरा कैसे होते हैं और बहनों के कैमरा कैसे होते हैं वो कैसे बैठते हैं हम कैसे बैठते हैं कला सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए एक साल से सीखा? हा दिस इज वॉट बाबा मीन्स हमने सिर्फ बैठ के कलाएं सुन लेने से कलाएं आ जाएगी नहीं कला सीखने के लिए सबसे पहला चाहिए ना गुण वो है ऑब्जर्वेंस यू ऑब्जर्व हम लोगों ने बड़ी बहनों को दीदियों को दादियों को ऑब्जर्व किया है वो कैसे बैठते हैं कैसे चलते हैं कैसे बोलते हैं right? जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा जब भी मुरली चलाते तो ऑफिशियल बैठते थे ऑफिशियली चलाते थे लेकिन जब वो दादी और दीदियों के साथ बैडमिंटन खेलते थे तो वो एक सखा की तरह खेलते थे इसीलिए अगर जब भी अगर आपने मुझे फोन किया होगा तो जब मैं यहां पर बैठी हूं मेरा रोल है आप मेरे से फोन पर बात करते हो तो, तो डिफरेंट रोल राइट तो हर जगह पे इसीलिए बाबा ने भी कहा है मूल्यों में समय स्थान वातावरण देखकर जो भी कर्म किया जाता है उसे कला कहा जाता है हमारे हर बात में नजाकत हो हमारे हर बात में एक यूनिक टच हो है ना हमारे गीता बहन जो है पहले के गीता बहन जो है शी इज फैंटास्टिक इन प्रेजेंटेशन यू कैन नॉट बीट हर द गिफ्ट द वेप्स द गिफ्ट इट्स फैंटास्टिक देखने जैसा है बहुत सुंदरता से तो उसके अंदर आत्मा का प्यार झलकता लगता है तो हर और ये सब हम देखते हैं कि बहने कैसे करती हैं तो वो कोई हमें बैठ के सिखाती नहीं है ये तुम ऐसे रैप करो नहीं you see and you learn. Right? हम कोई भी बहन देखो कोई भी हमारे सीनियर्स uh, uh, हैं उनसे हमें करते करते और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखते देखते कलाएं सीखी है तो लेट्स इन ब्रीफ बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में सारला कला पर समझा सकूंगी लेकिन हाँ हम कभी भी और मिलेंगे तो और डिटेल में बताएंगे तो लेट्स गो थ्रू दिस सबसे पहली कला है निश्चिंत रहने की कला तो जब बाबा हमें योग सिखाते हैं योग की विद्या बाबा ने जो हमें सिखाई है उसको पहल सबसे पहले उसका अनुभव करने के लिए क्या चाहिए कभी कृष्ण की मूर्ति को टेंशन में बैठा हुआ देखा है ऐसे देखा है माय oh गॉड! कभी कृष्ण को ऐसा देखा देखा कभी नहीं कृष्ण के चलने में बोलने में सब में दिखाया भी है ये भी चलो लिमिटेड लोगों की जे वापर युग की भी किसी ने रचना की है तो भी कितनी सुंदर की है तो निश्चिंत रहना तो निश्चिंत कैसे रह पाते हैं हम यदि हम अपना जीवन उस विश्वास के साथ जीते हैं कि सर्वोच्च आत्मा हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर जो है वो हमें बेस्ट से बेस्ट एक्टर बना रहा है और अगर वो मुझे बना रहा है मैं उसके सानिध्य में हूं तो मैं सिर्फ उसका साधन बनकर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूस्टली right? आज की दुनिया में क्या होता है बीमारी की वजह से कंपैरिजन की वजह से, कंपटीशन की वजह से या हम टेंशन आ जाते हैं तो ये सब में हमारा चेहरा भी बदल जाता है हमारी भावना बदल जाती है हमारे वाइब्रेशन बदल जाते हैं और इन सब स्थिति के अंदर एक स्थिर स्थिति में रहना माना निश्चिंत रहने की कला क्या मेरे में बाबा जो कहते हैं बच्चे निश्चिंत हो जाओ क्यों निश्चिंत हो जाओ मैं बैठा हूं ना कितनी बार दिन, दिन में याद आता है बाबा बैठा है मुझे टेंशन नहीं करना है ना? बाबा बैठा है मुझे टेंशन नहीं करना है कितनी बार याद आता है बाबा का एक बहुत सुंदर चित्र है मैं हूं ना है ना बैठा हूं तू चिंता मत कर फिर भी हम बैठ के वो चित्र देखते और चिंता करते हैं। बराबर चित्र देखना है चिंता करनी है बस क्या है संस्कार बन गया दूसरा व्यवहार करने की कला हम अभी सत्युग में जाएंगे तो अकेले तो डांस नहीं करेंगे ना सत्युग में जाएंगे अकेले नहीं रहेंगे यहां पर भी अकेले नहीं है वहां पर भी अकेले नहीं है हमें तो कोई छुटकारा नहीं है है ना घर परिवार बाबा बोलते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति में रहना है है ना अगर बाबा के सरेंडर बहने भी है तो उनकी भी प्रवृत्ति है ना उनको भी दूसरी बहनों के साथ भाइयों के साथ रहना पड़ता है तो किसी के भी साथ रहना पड़ता है ना तो वो भी सेंटर की भी प्रवृत्ति है फिर स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ डील करो राइट सीनियर्स के साथ डील करो इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद एवरीबडी हम जॉब पर जाते तो हम हमें जॉब वालों के साथ कलीग्स के साथ डील करना पड़ता है तो व्यवहार कैसे आता है हाउ डू आई कम अक्रॉस आई एम डीलिंग पीपल ये है व्यवहार करने की कला है ना देखो कृष्ण को कितना सुंदर दिखाया है कि कैसे वो प्रकृति के साथ भी कैसा व्यवहार करता है तो व्यवहार सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं होता है व्यवहार अपने आप के साथ हाउ डू आई ट्रीट माई सेल्फ हाउ डू आई ट्रीट अदर्स एंड हाउ डू आई ट्रीट नेचर तो वो है व्यवहार करने की कला सभी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही नेचुरल हो निस्वार्थ हो सम्मान देने वाला हो दिव्य परिवार की भावना और मिठास से भरा हुआ हो कि ये मेरा दिव्य परिवार का भांति है ये मेरी दिव्य बहन है है ना तो जब बहुत सुंदर सुंदर एक और भी कला आएगी जिसके अंदर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे दूसरा है स्वस्थ रहने की कला कईयों को तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत तकलीफ है और ये अभी का अभी का जो सिचुएशन अभी की चल रही है वो बेस्ट एग्जाम्पल है बोला है मास्क पहन के जाना है मुझे नहीं आता है मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं पहनूंगी बराबर इसीलिए इंडिया के अंदर लाइन लगी हुई है हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस की लाइन लगी है क्यों हम तो नहीं पहनेंगे हम तो जैसे जीना है वैसे ही जिएंगे अपनी मर्जी के मालिक है right? इतनी खराब बीमारी के अंदर भी डू नॉट बिकॉज हमें स्व नेतृत्व की कला नहीं पता है क्यों अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे आलस आएगा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे ना मुरली क्लास में आ पाएंगे ना अमृत वेला कर पाएंगे फिर, फिर अगर बॉडी साथ नहीं देखी तो लाल बन जाएंगे राइट right? बॉडी साथ नहीं देगी तो क्या करेंगे योग में जुल्ले लाल राइट right? तो वो स्वस्थ रहना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अगर पुरुषार्थ करना है मुझे सेवा करनी है तो मुझे अपनी बॉडी की भी इतनी ही संभाल करनी है कभी देखा आपने किसी भी कृष्ण के चरित्र में वो हॉस्पिटल में वो ग्लूकोज का बाटले के ऊपर लगा था उस पर बोलेंगे बहन उस वक्त तो ग्लूकोज का बाटला नहीं था इसलिए नहीं था ताकि तो लग जाता था ऐसा तो है नहीं राइट ऐसा बीमार ऐसा देखा कृष्ण को वो राधा के सर के कंधे के ऊपर ओ माय गॉड मैं बेचारा काम के बोझ का मारा सारी दुनिया का है मुझे संभालना ऐसा तो नहीं है कृष्ण देखा कभी ऐसा क्यों अपने आप को फिट रखता है एकदम सुंदर अच्छे से मेकअप करके ये ना एकदम सुंदर रखता है क्यों वो कला है स्वस्थ रहने की कला आत्मा जब चैतन्य अवस्था में अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में जब कर्म करती है तो आत्मा शारीरिक से जैसे आप दादियों को दीदियों को देखो दादी भी ऐसे जब भी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है तो उनको यहां से इंजेक्शन लगाते हैं वहां से लगाते हैं लेकिन दादी टोटल डिटैच होती है और यही समझती है ये जो भी चल रहा है हॉस्पिटल में वो भी ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामा के अंदर भी मैं शरीर भले बीमार हो लेकिन मेरा मन बीमार नहीं होना चाहिए मेरा भले शर शरीर बीमार हो जाए लेकिन शरीर के साथ साथ मन नहीं बीमार होना चाहिए ना अभी नेक्स्ट टाइम आपको पूछे ना कोई अब बीमार है तो मैं बीमार हम बीमार है हम बीमार नहीं है कौन बीमार है शरीर बीमार है तो हम आ, हम बीमार नहीं होते हैं शरीर बीमार होता है दूसरा सिखाने की कला कितनी सुंदरता से छोटी सी छोटी बात को कृष्ण ने अर्जुन को अच्छे से सिखाया दृष्टांत दे के सिखाया है ना प्रैक्टिकल करके सिखाया तो वो भी सिखाने की भी कला होनी चाहिए तो यू नीड टू बी टू बी अ गुड टीचर पता है सिखाने की कला में ये ट्राई करना आपको जो नहीं आता है ना वो आप दूसरों को सिखाना शुरू करो जो नहीं आता है ना वो सिखाओ मैं आपको रियल ट्रू आ, सच्ची बताती हूँ मेरी इतनी इंग्लिश हो कि मैं कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई नहीं हूँ हाँ हम अपना मातृभाषा गुजराती भाषा ओके गुजराती भाषा में पढ़ी हुई हो जब भी मैंने टेंथ ग्रेड पास की तो अभी हम बॉम्बे के अंदर तो टेंथ के बाद तो यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश राइट देर इज नो ऑप्शन हमारे में फिर गुजराती कोई भी तुम्हारी लैंग्वेज नहीं चलती तो मैंने क्या किया टेंथ में से मैं बाहर निकली ना मैंने इंग्लिश मीडियम के किड्स के ट्यूशन लेना शुरू किया क्यों क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाती जाऊंगी तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी अच्छी होती, होती जाएंगी तो जो मुझे नहीं आता है वो मुझे पढ़ाना शुरू करना है तो आप बोलेंगे बेन अभी हमें मुरली सुनाने का टर्न कभी आएगा राइट right? हाँ तो बाबा कहते हैं कि सिखाने की भी कला सीखनी है तो वो कैसे सीखेंगे क्या आप किसी भी व्यक्ति को ना और आजकल क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम ऐसा समझते कई आत्माएं ऐसे समझती है कि अगर मैं इसे सिखा दूंगा ना तो फिर मेरी मोनोपोली चली जाएगी एस्पेश प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसा ही होता है दे डोंट टीच यू दे होल्ड ऑन टू द नॉलेज दे कीप दैट नॉलेज विथ दम सेल्व एंड शेयर क्यों कि अगर मैंने सिखा दिया तो मेरा मोनोपोली तो चला जाएगा मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी ना? कई लोग मैं बोलती हूँ कई माताएं इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि अपने खाने पे बुलाएगी, अच्छे से खिलाएगी सब कुछ करेगी लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करेगी यस yes, दीदी एक्सपीरियंस है बहुत ऐसे <laughs> रेसिपी शेयर नहीं करेगी अरे सब तुम कोई रोज थोड़ी उसको बुला के खिलाने वाली वस्तु रख देगी बताएगी नहीं <laughs> तुम उसको रोज बुला के तो नहीं खिलाने वाले हो ना सो दिस इज वॉट इट इट से अबाउट वॉट यू आर डूइंग इट डूंगज अबाउट वॉट विच प्लेस यू आर एट योर स्पिरिचुअल लेवल कौन सी प्लेस पर हो एट योर स्पिरिचुअल पाथ द मोर यू टीच द मोर यू गिव द मोर यू गेन राइट तो सिखाने की भी कला होनी चाहिए होल्ड ऑन करने की कला नहीं होनी चाहिए कि मैं इसे भी सिखाऊं क्योंकि सिखाता वो है जो खुद लीडर होता है लीडर सिखाता है और जो बॉस होता है ना वो होल्ड करता है फिर लिखने की कला ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने भी यज्ञ शुरू हुआ तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने उन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित किया लेटर के जवाब दे देकर दे देकर है ना मैंने शायद आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि मेरी मेरी मम्मी जो थी वो बहुत चाहती थी कि मैं उनको अपने हाथ से लिखकर लेटर भेजो ईमेल नहीं फोन नहीं शी ऑलवेज वॉन्टेड मी टू राइट विथ हर हैंड बिकॉज मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी तो मैं लिखती थी तो मैं माई मॉम यूज टू फील सो सो वॉर्म इन दैट लेटर इतना अच्छा लगता था इतना प्यार लगता था तो वो लेटर जब हम अपने हाथों से और पता है ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है है, है है, वापस फैशन में है, you know that, right? है फैशन में में पता आपको ये ट्रेंड अगर आपके आपने शादी आपके घर में ये अमेरिका में फैशन में है आपके घर पे शादी है आप गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट को बुलाने के बाद छह महीने के बाद भी क्यों ना हो आपके आपका फोटो उनके साथ का फोटो और उनके हैंड रिटर्न थैंक यू का लेटर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉर योर गिफ्ट आता है छह महीने के बाद भी आता है एंड दैट मींस अ लॉट बिकॉज इट रिक्वायर सो मच एफर्ट्स टू डू दैट एंड दैट एफर्ट शोज केयर है ना वो एफर्ट दिखाता है कि यू केयर तो वो है लिखने की कला तो जब भी हम लिखते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं जाते हैं हमारा प्यार भी जाता है उसके साथ और जब वो प्यार जाता है तो हम सामने वाले का दिल जीत लेते हैं उसके बाद है पालना देने की कला बाबा ने एक चीज की बाबा ने मुरली सुनाकर कई मां बनाई कईयों को मां बना दिया एक होता है मां बनना और दूसरा होता है मातृत्व मां बनना बायोलॉजिकली मां बनना इज इजी लेकिन वो मातृत्व की भावना जो है वो शरीर के साथ लिमिट नहीं करती है नहीं? ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने मां बनाया ब्रह्मा बाबा ने मां बनकर यज्ञ की पालना की तो बाबा ने भी मां बाबा को मां रचनी पड़ी क्यों क्योंकि मां के बिना वो पालना का भाव आत्मा में नहीं आता है राइट right? इसीलिए जब हम टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं जब बहनों को टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं पहले तो ऐसा होता था तो कैसे पालना करती होती है कैसे जिज्ञासुओं को संभालना होता है और वहां पर फिजिकली बहनों के साथ रहकर हम सीखते हैं कि कैसे बाबा के बच्चे तो बाबा के बच्चे और बाबा अगर मेरा साजन बाबा अगर मेरा साथी मेरा पति तो वो मेरे बच्चे मेरे बच्चे ना तो वो मेरे बच्चे हैं तो बाबा के बच्चों को मुझे अपने बच्चों की तरफ पालना करना है उनको समय देना है प्यार देना है सहयोग देना है साथ देना है तो वो हमें हर आत्मा के लिए वो भावना आना माना पालना देने की भावना भा, भासना तो इवन कृष्ण के लिए भी तो है ना गोप गोपियों को फिर ग्वाला बन के फिर गायों को कितनी पालना देते थे प्रकृति को पालना दी है व्यक्ति को पालना दी है तो वो पालना देने की भावना अभी पालना देने की भावना के लिए दिल बड़ी हो चाहिए एक माँ की तरह बाबा ने भी बच्चों को बहुत प्यार से त्याग से सेवा से ज्ञान से पालना दी है है ना? तो पालना सिर्फ फिजिकली नहीं होती है ना? प्यार देना सेवा करना किसी आत्मा के लिए किसी के ग्रोथ के लिए किसी की सेवा के लिए अपना सेवा का त्याग कर देना किसी की सेवा के लिए किसी को सेवा देने के लिए अपनी भी सेवा का त्याग कर देना तो ये बाबा ने एक एग्जाम्पल बन के सिखाया और जब भी हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं या दूसरी आत्माओं के साथ आते हैं तो हमेशा ऑफ कोर्स सभी आत्माओं के अपने अपने संस्कार है तो वो न देखते हुए जैसे मां न देखते हुए विशेषताओं को देखते पालना करती है वैसे भी हमें दूसरों की विशेषताओं को देखकर पालना करनी है दूसरा आगे बढ़ने की कला ये जब ज्ञान मार्ग में हम आते हैं ज्ञान बाबा सुनाते हैं तो वो ज्ञान धारण करना और धारण करने के साथ साथ धारणा मूर्त बनने के बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और वो कठिनाइयों को न देखते हुए लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान एकाग्र करके हमें बस आगे बढ़ते रहना है हमारे साथ कोई चले न चले मेरा साथी नहीं आता मेरा बच्चा नहीं आता मेरा परिवार नहीं आता मेरी बहू नहीं आती भले कोई भी मेरे साथ चले ना चले मेरे साथ आज दिन तक मेरे घर वाले चले ही नहीं है।, है ना एक बहुत अच्छा वो बंगाली गीत है ना एकला चालो राइट कोई आए या ना आए हमें अपने मंजिल पर आगे अकेले बढ़ते जाना है इसीलिए नहीं क्योंकि ये फिलोसॉफिकल है हाँ अकेले आए हैं अकेले आए जाएंगे नॉट बिकॉज दैट फिलोसॉफी बट मुझे हर क्षण हर दिन आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ जो मुझे बढ़ाने वाला है वो सर्वशक्तिवान है तो मैं क्यों नहीं बढ़ूंगी कितनी भी राह लो, लोगों ने कईयों ने गारंटी दी थी मेरे लिए भी गारंटी दी थी ये तो ज्ञान में नहीं चलेगी क्योंकि मैं तो बहुत फैशनेबल थी मैं तो बहुत एंथजियास्टिक थी मैं तो बहुत अपफ्रंट थी एकदम मुंह पर बोलती थी तो कईयों ने बोला ये तो ज्ञान में नहीं चलेगी बोलने दो मैं उनको प्रूव करने के लिए ज्ञान में नहीं चल रही हूं लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना है मुझे अपनी गारंटी मेरी गारंटी दूसरे नहीं देंगे मुझे अपने आप को अपनी गारंटी देनी है तो वो आगे बढ़ते रहना है तो आगे बढ़ने की कला रास्ते में जो भी चुनौतियां आती हैं हमेशा लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर रहना है हमें सीखना है और बढ़ना है किसी भी कारण से हमें नहीं रुकना है दूसरा हसने की कला हास्य की कला जैसे हमने बिगिनिंग में ही बताया था कि रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस होना चाहिए जहां हमें है ना क्योंकि योगी जीवन कोई बोरिंग जीवन नहीं है नहीं वो मुंह चढ़ा के बैठे रहो नहीं ऐसा नहीं करना है खिला हुआ चेहरा होना चाहिए प्रसन्न चेहरा होना चाहिए है ना किसी को हमारे साथ हमें हमें देख के किसी के मुंह पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए है ना ऐसा नहीं कि क्लाउन बन के जाना है जो कर बन के नहीं जाना है किसी को हंसाने के लिए लेकिन हमारी अंदर की सुंदरता हमारा अंदर का हास्य जो है वो हास्य भी होना चाहिए गंभीरता भी होना चाहिए स्त्री बाबा कहते हैं मूल्यों में रमणीकता भी हो और गंभीरता भी हो जहाँ पर खेलना है साथियों के साथ मिलना जुलना है तो मिलना जुलना है सब लोग सब अच्छे से गरबा कर रहे हैं खेल रहे हैं और हम जाके वो झाड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे हम तो बहुत प्यारे योगी हम तो बाबा के कमरे में जाके बैठ जाएंगे अभी ये थोड़ी करना है so कि मैं योगी हूं बाकी तुम लोग तो तु सब ये ये सब सब नहीं तो उसके अंदर भी बैलेंस होना चाहिए गंभीरता और रमणीकता तो हास्य की भी कला होनी चाहिए और हसाना भी आना चाहिए तो बाबा ब्रह्मा बाबा बहुत रमणीक हुआ करते थे जोक जोक जो भी मारते थे और आ, सबको हंसाते भी थे तो है ना दादियां भी बताती है कहानियों में कि हमारे साथ बाबा बोलते थे तो हम बाबा को कहते थे कि बाबा आपने तो आज बहुत अच्छी हंसी की बात सुनाई तो बाबा हंसी की भी बातें सुनाते थे बाबा कोई सीरियस योगी नहीं थे बाबा ज्ञान प्रदान करते करते उनका मनोरंजन भी करते थे उनको हंसाते भी थे फिर समाने की कला देखो आज जिस दुनिया में हम जीते हैं ना बहुत सेंसिटिव लोग हैं वेरी सेंसिटिव पीपल क्यों सेंसिटिव है क्योंकि आत्मा की शक्ति जो है ना बहुत कम हो चुकी है तो आत्मा की सेंसिटिविटी है ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत फ्रेजाइल है बहुत नाजुक है एक बार कहते हैं ना कि कभ, एक बार अगर आप हमने किसी का विश्वास तोड़ा या हमारा किसी ने विश्वास तोड़ा तो वो जिंदगी भर के लिए हम एक अपना गुण अपने अंदर से गवा बैठते हैं वो है विश्वास रखने की कला अभी तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है उन पर कितने के बारे में हम बोलते हैं कितनों के बारे में ये बोलते हैं मुझे उनके ऊपर तो रत्ती भर का विश्वास नहीं है पता है जब ये मैं बोलती हूं ना उसका मतलब ये क्या है है कि मैंने एक गुण को अपने से जुदा कर दिया है मैं इसे इस गुण को धारण कर नहीं सकती तो बाबा के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं रहना है संभल के रहना है वो वापस मिस्टेक नहीं करनी है लेकिन विश्वास ही नहीं करना ट्रस्ट फैक्टर ही मेरे में से चला जाए तो मैं जीवन शक कर करके डाउट में रह रहे के, क्या हम निश्चिंत रहने की कला सीख पाएंगे नहीं रह सीख पाएंगे निश्चिंत रह पाएंगे डाउट वाला निश्चिंत रह ही नहीं सकता है सारा दिन बुद्धि जो है वो घूमती रहेगी व्यर्थ में जाएगी व्यर्थ में जाएगी एकाग्रता नहीं आएगी सो आई एम लूजिंग इट बाय नॉट ट्रस्टिंग इट और ट्रस्ट फैक्टर जो है वो है समाने की कला हमें ऐसे स्पंज के जैसे बनना है हमारे पास वो जो अवशोषण माना स्पंज की गुणवत्ता होनी चाहिए ना स्पंज कैसे सब सोख कर लेता है तो इसी तरह से क्या मुझे चेक करना है कि किसी के भी साथ जब मैं बात करती हूँ किसी के भी बारे में भी करती हूं तो मेरा भाव क्या है उस आत्मा के लिए शुभ भावना है या मुझे मैं मजा लेने के लिए बातचीत करती हूँ है ना दूसरों की बुराइयां भी करो तो चलो हम दूसरों की बुराइयां करते भी हैं तो बुराई करते हैं लेकिन उसके पीछे का मेरा भाव क्या है कि उस आत्मा के लिए मुझे शुभ भावना है अगर मुझे शुभ भावना है तो उस आत्मा को बताओ ना दूसरों को बता के क्या फायदा है आ, मेरी अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है आप बाजू वाले को जाके बताएंगे चार लोगों को फोन करके बताएंगे वैशाली है ना ऐसी है वैशाली है ना ऐसी है तो मैं बदलने वाली हूँ आपको क्या लगता है मेरे में परिवर्तन आ जाएगा आएगा नहीं आएगा क्यों क्योंकि मुझे तो नहीं पता है लेकिन अगर हम किसी में वो देखते भी हैं तो उनको शुभ भावना से कहो देखो बहन ऐसे नहीं होता है ऐसे करना है तो उनको शुभ भावना से बताओ लेकिन भावना क्या होती है उसके ऊपर हमारे कर्म बनते हैं और उस हिसाब से जो भी बाबा के बच्चे आते हैं क्योंकि हमें उन्हें बाबा ने भी क्या किया बाबा ने भी सभी के हम आए थे हम क्या ज्ञान में आए थे क्या दूध के दुले हुए आए थे क्या हमारे में से एक भी बैठे क्या दूध का दुला हुआ आया था नहीं सबके अंदर कोई ना कोई कमी थी कमजोरी थी सब कुछ था बाबा ने बोला मुरली क्लास में नहीं बैठो योग नहीं लगाओ तुम तो ऐसे हो तुम तो वैसे हो बोला पनिशमेंट दिया नहीं क्यों क्योंकि प्यार से ही आत्मा बदलती है तो बाबा ने जैसे मां बनके हमारी भूलों को समा लिया तो मैं दूसरों की भूलों को भी समा समालू दूसरों की भूलों को जाके कौ की तरह वो कचरा सब जगह पे नहीं डालना है हमें है ना तो वो है दूसरी है बोलने की कला हम किस तरह से बोलते हैं है तो ना दो दो दुकानदार होते हैं या दो डॉक्टर होते हैं या दो वकील होते हैं आप देखो सिर्फ ये तीनों जो है दुकान चलती है डॉक्टर भी चलता है डॉक्टर इंजेक्शन से नहीं चलता है डॉक्टर की डिस्पेंसरी इंजेक्शन से नहीं चलती है वो इंजेक्शन देते देते मरीज के साथ कैसे प्यार से बात करता है उस डॉक्टर के पास मरीज ज्यादा जाता है उसकी दवाइयों के लिए नहीं चाहता है मरीज इफ यू आर गोइंग अगेन आप अपने आप को ही देखो हम कौन सी दुकान में वापस जाते हैं हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमसे अच्छे से बात करता है तो अच्छे से मुझसे कोई भी बात करे तो मुझे कैसा लगता है अच्छा लगता है तो बोलने की कला है ना अगर बाबा का भी ज्ञान देना है तो बाबा का ज्ञान भी किस तरह से देना है उसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस अभी बोलने के लिए पहले तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा लेकिन जैसे ही लोग सामने आ जाएंगे ऐसा करते रहेंगे कोई ज्ञान सुनेगा नहीं सुनेगा फिर आपको हमें कोई प्रश्न पूछे तो फिर हम हाँ ऐसे 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 दो मिनट तक देखेंगे तो हाँ, क्या कैन वी सेल अवर सेल्फ कैन वी सेल बाबा so ये भी है ना एक दुनिया ये भी है ना एक व्यापार है हम यहाँ पर बाबा के ज्ञान को बेचने बैठे हैं कौन सा कौन सा सेल्समैन कैसे बाबा के ज्ञान को बेचता है उसकी दुकान ऐसे चलती है, है ना तो बेस्ट सेल्स बेस, बेस्ट बेस्ट सेल्स पर्सन जो है जो uh, है वो है शिवानी दीदी शिवानी दीदी को पता था कि बाबा का ज्ञान कैसे बेचना है शी 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 एंड इज़ सक्सेसफुल, राइट? तो बाबा का परमात्मा का ज्ञान अभी अस्सी साल से ज्ञान चलता था ब्रह्मा कुमारी इज एटी ईयर ओल्ड राइट लेकिन एक अच्छा सेल्समैन आ गया दुकान चल पड़ी नहीं? तो अगर हमें बाबा की दुकान चलानी है बाबा का ज्ञान सुनाना है तो बोलने की तो कला चाहिए ना अभी वो भी बेचारी बैठ के बोल ही रही है ना तो बोलना भी तो आना चाहिए ना तो ज्ञान बोलना आता है लेकिन ज्ञान कैसे बोलना है सामने वाला कैसा है उसकी नब्स क्या है उसकी मन की कंडीशन क्या है वो क्या चाहता है वो कैसे चाहता है उस हिसाब से ज्ञान सुनाना है तो वो बोलने की कला भी होनी चाहिए बोलने के कौशल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बोलने में प्यार हो सत्कार हो शुभ भावना हो, से नहीं बोलना है और दिल से बोलना है जो बाबा ने भी कहा है ना अनुभव से बोलना है अभी की मूल्य में तो बाबा ने थोड़े बहुत थो समय पहले बताया ना सिर्फ वर्णन करने वाले नहीं होने चाहिए लेकिन अनुभव से बोलने वाले चाहिए मीठे शब्दों के साथ बोलना है उनको एक अपना एक अपनापन लगे उनको कनेक्शन लगे इस तरह से बात करनी है और ऐसी मीठी बात तभी कर पाते हैं जब हमने अपनी आत्मिक अवस्था का अनुभव बहुत डीप किया हुआ हो दूसरा है अपना बनाने की कला कई वो बहुत सुंदर गीत है ना किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है अंधेरे चिराग जैसे जला दिया समझे अंधेरे रास्ते अंधेरे दिल में हाँ अंधेरे दिल में चिराग जैसे जला दिया प्यार का जादू चला दिया हाँ 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 ओके ओके वेरी गुड तो अंधेरे दिल में चिराग जला दिया तो बाबा ने भी क्या किया अपना बनाया और अपना बना के फिर मुस्कुराना सिखाया राइट तो वो बाबा के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अपना बनाने की कला है ना कई लोग होते हैं और ये मैं अपने अनुभव से बताती हूं कि जब ये जो अपना बनाने की कला है ना वो तब हमारे में विकसित होती है कि आप जहां होते हैं ना उस स्थान को अपना मानो उस स्थान में जो व्यक्ति है उन्हें अपना मानो कि ये मेरे हैं ये लोग ये आत्माएं मेरी है ये मेरे परिवार की भांति हैं तो मेरा जैसा मेरे लौकिक परिवार के लिए या मेरे संबंधियों के लिए प्यार है उस उसी लेवल का प्यार उसी प्रकार की भावना मेरी ईश्वरीय परिवार के लिए होनी चाहिए और कोई भी परिवार हो आप जॉब पर भी जाओ तो दे शुड फील दैट यू नो दे बिलोंग टू मी ऐसा हमें फील होना चाहिए तो अपना बनाने की है ना कृष्ण को सब चाहते हैं ओ कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा है ना तो हम कोई बोलेगा कि यहाँ चलो ये बहन मेरी ये बहन मेरा लेकिन बाबा के लिए हर आत्मा बोलेगी बाबा मेरा यू नो पता है क्यों एक हंसी की बात बताओ बाबा ने बोला ना हास्य की कला क्यों क्योंकि बाबा दिखता नहीं है चलता नहीं है बोलता नहीं है बस मुरली सुनाता है फिर सारा दिन अपने आप को छोड़ देता है टोकता नहीं है, है सारा दिन तो किचकिच नहीं करता है ना इसलिए बाबा मेरा इसलिए बाबा मेरा बाकी बाकी अगर वो ट्वेंटी फोर सेवन साथ में रहे, then, तो बाबा कहते हैं कि अपना बनाने की कला भी सीखो है ना संबंधों में गर्मा हट माना यू शुड पर्सन शुड फील वार्म एक एक फील एक होती है क्योंकि बाबा ने क्या किया आशाहीन आत्माओं के अंदर भी आशाएं भर थी जो आत्मा को जिस जरूर जिस प्रकार के भाव की प्यार की जरूरत थी वो बाबा ने लिटरली फिजिकली भी दिया और मेंटली भी दिया है ना? बाबा को पता था ना जैसे कि आपको कई बार हेमा बहन ने भी बताया होगा कि जादी जानकी को ना स्टेज पे डाकते थे ना क्लास में होगा भी उनका नाम लेते थे कुछ नहीं लेते थे लेकिन और दादियों का लेते थे तो दादी जानकी को बुरा लगता था कि मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं तो बाबा कहते थे कि तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं है जिसकी जरूरत है ना उसको मैं कर देता हूँ तो एवरी सोल हैज डिफरेंट नीड्स तो यू विल सरवाइव विथ और विदाउट बट सर्ट सट पीपल वॉन्ट सर्वाइव सो हैव टू गिव दैम है ना बच्चे को भी ऐसा ही होता है ना माँ भले दो बच्चे होंगे लेकिन एक को अलग से ट्रीट करना पड़ता है दूसरे को अलग से ट्रीट करना पड़ता है अगर दो चार बच्चे हैं तो क्यों गिव्स व्हाट दे नीड राइट? सो वो कला जो है वो बाबा ने कहा वो भी हमारे में होनी चाहिए दूसरी कला जो है वो है नेतृत्व कर की कला यज्ञ में आने के बाद बाबा ने एक एक को लीडर बनाया है मैं बोल रही हूं एवरीबडी फर्स्ट यू लीड योर सेल्फ वो बाबा ने सिखाया स्व नेतृत्व सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ लीडरशिप हम अपने जब लीडर बन जाते हैं देन पीपल सी अस एंड दे वी लीड विद द एग्जांपल तो हम एग्जांपल के साथ अपने जीवन को लीड करते हैं तो बाबा ने ये कला जो है और देखो और नेतृत्व की कला जो है वो पावर भी है ना? और एडमिनिस्ट्रेशन अभी नीराबेन भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है राइट एडमिनिस्ट्रेशन करना माना क्या कोऑर्डिनेट करो कॉपरेट करो फिर ये है कि नहीं म्यूजिक है कि नहीं ये सब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन है राए? हर बाबा का बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन बाबा ने बना दिया है हर बहनों को बनाया है किसी को अभी आप लोगों ने देखा ही है ना कई महारति मा, आते हैं सीनियर टीचर आती है के सेंटर, सेंटर चलाती है 130 सेंटर चलाती है 130 का एडमिनिस्ट्रेशन करना इज नॉट एंड दे डोंट हैव ए डिग्री राइट दे डोंट हैव ए डिग्री एंड स्टिल दे डू इट तो ये किसने सिखाया बाबा की मुरलियों से दादियों ने दीदियों ने सिखा है राइट right? तो जब मैं लीडरशिप करती हूं तो मैं अपने लीडर क्या होता है दूसरों के अंदर की जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसको बाहर लाके उनको लीडर बनाता है ये है लीडरशिप की अः निशानियां एक लीडर अपने जैसा अपने से भी अच्छा सामने वाली आत्मा को बनाए तो बाबा ने अपने से भी आगे बच्चों को रखा है ना और हर बात में बाबा ने लीड करना सिखाया और लीड करने के लिए इट्स लाइक अ पॉलिटिश पॉलिटिक्स राइट तो बाब, बहुत अच्छी बात आ, आ, मैंने सुनी थी कि जब लीडर होता है तो आजकल दुनिया में जब किसी को लीडर बनाना होता है राइट तो जो उनका सिलेक्शन होता है वो बाय मेजोरिटी हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना तो जो जिसे लोग सिलेक्ट करते हैं वो संसद में जाते हैं और जिसे भगवान सिलेक्ट करता है वो सत्संग में आते हैं समझा तो भगवान को भी लीडर सिलेक्ट करने की जो है वो विशेषता है तो बाबा भी बाबा को भी पता है और बाबा लीडर कैसे बनाता है परिवर्तन करने की कला से बनाता है बाबा हमारा कूड़ा कचरा पुराने संस्कार पुरानी बातें उन सब को परिवर्तन करता है तो सबसे पहले लीडर बनने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ता है दूसरों की कमजोरियों को ऊपर फोकस करने की बजाय अपनी विशेषताओं के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और बाबा ये भी कहते थे कि, कि किसी के भी कर्तव्य और किसी के भी उद्देश्य को समझने के बाद अपने आप को भी उसके साथ चलाने के लिए कैसे अपने आप को भी उसके अंदर मोल्ड करना है अपने संस्कारों को उसमें डालना है अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है अपने पुराने संस्कारों को कैसे बदलना है, ये बाबा ने सब कुछ मुरली में सिखाया और बाबा ने ये भी कहा बच्चे मुश्किल नहीं है और धीरे धीरे रोज मुरली सुना सुना के मेरे मिठे बच्चे मेरे मिठे बच्चे मेरे मिठे पीछे है ना जैसे वो बाबा क्या करता है डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन लगाने के पहले क्या करता है वो ठंडक दिखाता है ना समथिंग ठंडा ठंडा कर देता है ना तो वो भी बाबा भी है ना मुरली चालू करने के पहले मिठे बच्चे मिठे बच्चे ऐसे ठंडक लगाता है और फिर लगाओ जोर से हाँ फिर मारो जोर से बराबर तो बाबा भी वही करता है तो बाबा ने ये जो है वो कला व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला से सिद्ध किया है तो दूसरी कला जो है व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला तो अपने पुराने संस्कार पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए और दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के बाद बाबा ने उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी आदतों को उन पुरानी आदतों को रिप्लेस किया अच्छी अच्छी आदतों को बदल दिया और ये जो शातिर दुनिया है तो इस शातिर दुनिया को बदलकर पवित्र दुनिया पवित्र सोच से बना दिया दूसरी कला है वो है सीखने की कला बच्चे से भी सीखो है ना जेनेटर्स से भी सीखो किसी में किसी छोटे बच्चे से भी किसी में भी अगर कोई अच्छाई है विशेषता है तो मुझे उसको चुराना है तो जो कहते हैं ना कि कृष्ण ने मक्खन चुराया तो जो मक्खन माना क्या किसी भी आत्मा के अंदर का जो मक्खन है मक्खन माना विशेषता है उसका जो एसेंस है उसकी जो शक्ति है वो चुराओ तो वो कृष्ण ने चुराई तो वो जो एनालॉजी है जो मक्खन चुराया मक्खन चुराना बाबा कहते आप भी चोरी करो आप भी कृष्ण बन जाओ चोरी करो जाके किसको चोरी करो किसी की भी जाके बाजू वाले की जाके घर वालों की जाके फिर दुकान वाले की जाके किसी के भी जाके विशेषता को चोरी करके आओ नो no प्रॉब्लम ये चोरी करने के बाद आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी गारंटेड है किसी की विशेषता को चोरी करोगे पुलिस घर पे आने वाली नहीं है बिंदास करो क्या आज करो विशेषता को करो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरा नाम नहीं आना चाहिए है ना क्योंकि कल को अगर आपने कुछ एक्सीडेंट फैक्सीडेंट किया और पुलिस आई आप बोलेंगे कि बहन आपने बोला था ना पुलिस नहीं आएगी है ना फिर वो सब क्लेम डिस्क्लेमर बता देती हूँ वीडियो पे रिकॉर्डेड है ठीक है ना फिर सीखने की कला माना बच्चों से भी सीखो छोटी भी छोटी बात को सीखो और मेरी सीखने की जो है वो उत्कंठा जो है वो सीखने का जो उत्साह है है ना जिज्ञासा जो है वो नहीं खत्म होनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखो वृद्धा अवस्था को पार करने के बाद भी फिर भी अपने आप को सिर्फ वो स्टूडेंट समझते थे और वो जिज्ञासा ने ही वो सीखने की कला ने ही बाबा को संपूर्ण बनाया है ना तो सीखने की कला मुझे कुछ भी सीखना है और है ना कई लोग मुझे पूछते थे कि बहन मुझे जो पूछते थे ना उनको एग्जैक्टली exactly पता चढ़ जाएगा कि मैंने पूछा था कि बहन ये ब्रह्मा कुमारी का योग करने के बाद अल्टीमेटली गोल क्या है इसमें अल्टीमेटली क्या प्राप्ति होती है अभी क्वेश्चन है इट्स अ लॉन्ग वे टू गो राइट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो सोलह कला संपूर्ण राइट right? अभी ये सब कला खत्म होने के बाद जरा चेकिंग भी करना कि कहा तक की मेरे कौन से कौन सी कला तक मैं पहुंची हूं और कितने में कितना परसेंटेज है वो भी हंड्रेड परसेंट होना चाहिए अभी हर कला में हंड्रेड परसेंट चाहिए और लास्ट जो है वो है अनुशासन की कला माना सेल्फ डिसिप्लिन की कला ये सारी कलाएं तब तक नहीं आएगी जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है है ना हम सर्कस में जाते हैं पैसा देके जाते हैं कि एक इंसान चलता है चलते हुए इंसान को शरीर को मोड़ते हुए इंसान को देखने के लिए पैसा दे के सर्कस में जाते हैं क्यों जाते हैं उसे बैलेंस रखना आता है अगेन बैलेंस करना और मोल्ड करना जो भी आत्माएं इवन आज की दुनिया में फिजिकल लेवल में भी जो मोल्ड करना जिसे आता है अपने आप को और जिसे अपने आप को बैलेंस रखना आता है वो आत्मा के हर कर्म कला बन जाते हैं सबसे महान कलाकार हो या प्रशासक वो होता है जो कम से कम बाबा कहते थे कम खर्च बाला नशीन एक नामी इकोनॉमी हर बात को इकोनॉमी से चलाओ अपने संकल्प को भी इकोनॉमी करो अपने कर्मों की भी करो अपने बोल की भी करो सब में इकोनॉमी करो और बाबा का हमेशा यही मकसद रहता था काम शुरू करो तो अपने आप साधन आ जाएंगे है ना ये मैंने किसी बहन से पूछा था और मैंने किसी बहन को ये बताया भी था वो हमें कहती थी कि बहन मुझे सेंटर चालू करना है मैं कर पाऊंगी की, की नहीं मैंने बोला बहन बाबा ने कहा है मूर्ति को बिठाओ बाकी दर्शन करने वाले अपने आप आ जाएंगे तो मूर्ति बन के बैठ जाओ बाकी सब कुछ बाबा देगा रेंट मिलेगा कि नहीं खाना आएगा कि नहीं ब्रह्म भोजन बनेगा कि नहीं वो सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ये बाबा भी कहते थे बाबा हमेशा सबको कुछ ना कुछ सारे दिन में करने का मौका देते हैं हम भले हमारे घर में बैठे हैं बाबा हमें बहुत मौके देते हैं वैसे आप अपने दिन को दिन के सारे मामलों को सा, अपने टाइम को मैनेज करके अच्छी तरह से जब यूज करेंगे तो सारी कला अपने आप डेवलप होंगी क्या मैं चीजों में बातों में व्यक्ति में अटक जाती हूं अगर अटक जाऊंगी तो सारी कला प्राप्त नहीं कर पाऊंगी और इसी कलाओं का जो फल है वो है श्रीनाथ जी के या कृष्ण के सारे दर्शन मंगला के दर्शन मंगला के दर्शन माना मैं उठती हूं तो कैसे उठती हूं उठती हूं माना कब उठती हूं क्या मैं बाबा का ज्ञान सुनने के बाद संपूर्ण रीति से जागृत रीति से उठती हूँ क्या मैं जागृत हूँ क्या मैं एवरी पॉइंट एवरी वॉक ऑफ माय लाइफ एम आई अवेयर एंड कॉन्शियस एंड माइंडफुल और उसी का दर्शन जो है वो मंगला का दर्शन होता है दूसरा फिर श्रृंगार का दर्शन होता है बाबा हमें अमृत वेले उठाता है फिर हमें पलकों में बिठाता है और फिर हमें मुरली से श्रृंगार करता है मुरली से क्या होता है श्रृंगार होता है जिन्होंने रोज मुरली सुनी है जो रोज मुरली सुनते हैं तो उनके श्रृंगार के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आएंगे फिर बाबा ग्वाल पाल फिर क्या होता है उसके बाद मुरली सुनने के बाद वो जो मुरली से मैंने रस लिया मुरली से जो सब कुछ मैंने प्राप्त किया अब वो मेरा पालना का पाठ शुरू होता है अभी मैं मां बन जाऊ मुरली सुनते वक्त मैं स्टूडेंट बन जाऊं मुरली खत्म होने के बाद मैं मां बन जाऊं किसकी मां बन जाऊं सभी की प्रकृति की व्यक्ति की साधन की सबकी माँ की तरह मैं उसकी पालना करूं मेरा प्यार बढ़ बहता जाए जो परमात्मा से प्रेम की प्राप्ति की मंगला के दर्शन में और दूसरे दर्शन में कौन सा दर्शन था श्रृंगार का दर्शन उसके बाद मैं पालना करती रहूं फिर राजभोग फिर क्या करते हैं पालना करते हैं और फिर और फिर अपने घर वालों की भोजन बनाने ब्रह्मा भोजन से पालना करते हैं और वो भोजन भी बनाते हैं तो कितने सुगंधित कॉन्शियसनेस से बनाती हूँ मैं है ना कितनी और जो भी फूल चढ़ाती हैं है ना जब भी कोई भी श्रृंगार होता है तो उसके अंदर फूल चढ़ते हैं तो मेरे मन के अंदर से कितने प्रेम के भावना के श्रद्धा के पवित्रता के फूल से मैं अपना भोजन बनाती हूं तो उसे कहा जाता है राजभोग फिर साढ़े तीन बजे फिर जो हमने ये कला सीखी साढ़े तीन बजे निश्चिंत होके आराम करने की कला कहीं वो तो कहीं कहते हैं ना कि तुम तो आराम करो उसमें से थोड़ी तो थर्टी परसेंट तो मैं ही हूं मेरे को कोई कहेगी आराम करो तो मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ दैट्स माय प्रॉब्लम मैं तो कमिट करती हूँ कि वो कला में थोड़ा कम है है ना कोई मुझे कहे तुम आराम करो तो मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो वो जो है वो आराम करने की भी कला चाहिए एकदम निश्चिंत होके और कई लोग कहते हैं हमको तो कोई भी टाइम पे कहीं पे भी चाय पी के कॉफी पी के एक मिनट में सोने को कहा हम सो सकते हैं तो इसे कहते हैं निश्चिंत होके आराम करने की कला वाले है ना फिर जो है भोग की कला तो माना भोग माना जो ये जो जो, जो छठे दर्शन होते हैं ना तो वो शाम के होते हैं तो शाम को क्या होता है तो बाबा कहते हैं ना कि जब शाम को कहते हैं कि फिर वहां पे दिया जलाते हैं और कहते हैं कि जो देवदूत है जिसे एंजल कहते हैं कि एंजल जो है वो परिक्रमा करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं सारे विश्व के अंदर सभी आत्माओं को शुद्धता का और शुभ पावना का जो है वो हम भोग बांटते हैं तो वो शाम को जो साढ़े साढ़े छह से साढ़े सात का जो टाइम होता है तो वो जो है वो है छठे दर्शन उसके बाद आरती होती है और उसके बाद शयन होता है तो ये सारे जो भी कलाओं से हमने अपने आप को सवारा है उसके सारे दर्शन जो है वो आज भी भक्ति मार्ग में बहुत बहुत उल्लेखनीय है तो वैसे भी मैंने आपका दस मिनट ज्यादा ले लिया बट बहुत संक्षिप्त में बताया है लेकिन ये जो है वो जो हमारे सीनियर्स ने बताई है वो है लेकिन ऐसे कहने को जाए तो ये सोलह 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 कहते हैं वो सो सोलह हजार एक, एक सौ आठ कलाए हैं अभी कपी बेन मेरे से लिस्ट नहीं मांगना हाँ अभी नहीं है मेरे पास लेकिन वो अभी मुझे देखना है कि इन कलाओं को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से गुण चाहिए और कौन सी दूसरी कलाएं जो है उससे कनेक्टेड है तो ये था सोलह कला संपूर्ण का संक्षिप्त में उदाहरण